फ्रेंड्स, आज हम टूलिप फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक स्क्वायर पीस लिया है फोर इक्वल साइड। तो हम टूलिप फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको इसे ऐसे फोल्ड करना होगा, स्क्वायर को ऐसे रख के इसे इस साइड पर फोल्ड करना है। हमने इसे फोल्ड इस साइड से कर लिया। अब हम इसे दूसरी साइड पर फोल्ड करेंगे। अब हमने इसे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये ऐसे दिखेगा। जिस साइड पे हमने इसे फोल्ड किया था उस साइड पे हमने नहीं करना। अब जिस साइड पे ये ऐसे दिखेगा उस साइड पे हमने इसे ऐसे फोल्ड कर लिया। अब हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब ये सेंटर में आपने इसे टैप करना है और इस साइड को ऐसे फोल्ड कर लेना। ये देखिए, अब हमने इसे अपवर्ड्स करना है, ऊपर की तरफ फोल्ड करना है यहाँ साइड। वन साइड हमने फोल्ड कर ली, अब हम सेकंड साइड फोल्ड करते हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसा दिखेगा। अब ये कॉर्नर लेना है आपने और इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ये हमने और फिर इस कॉर्नर को इसके साथ, फिर ये ऐसा दिखेगा। फिर आपने इस साइड पर डालना है, हम इसे ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, इसको आपने इसके अंदर डाल। अब सेकंड साइड करेंगे हम, सेम करना है, इसे इसके अंदर डालना है। अब ये डल चुका है, अब हम इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको होल नज़र आ रहा होगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये होल बना हुआ है। अब हम इसको किसी भी छोटी स्टेंसिल पेंसिल जैसे कि फॉर एग्जांपल डालेंगे इसके अंदर और इसको ऐसे दिया। देखिए, हमारा अब हो चुका है। अब हम स्टेप बनाएंगे इसकी। आपको कॉर्नर से स्टार्ट करना है और इसे रोल करते रहना है। फ्रेंड्स, मैंने ये रेक्टेंगल पीस लिया है।
अब आपने इसे रोल करते जाना है कॉर्नर से स्टार्ट करके। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हम इसे इसके अंदर डालेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब हम इस स्टैम्प को इससे UHU से ग्लू करेंगे। अब हमने इस स्टैम्प को UHU से ग्लू कर लिया है। अब हम इसे सीधा से कट करेंगे कॉर्नर करके। फ्रेंड्स ये देखिए, अब हमारी स्टैम्प बनके तैयार है। अब ये हमारा ट्यूलिप फ्लावर है। अब ये आप इसके कॉर्नर देख रहे हैं, इसको आहिस्ता से ऐसे फोल्ड करिए ताकि इसके पैटर्न्स बन जाए। ये देखिए, हमारा ट्यूलिप फ्लावर बन के तैयार हो चुका है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।